तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी के पावन संगम तट पर सबसे बड़े धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजन माघ मेला 2024 का प्रथम स्नान पर्व मकर संक्रांति दिनांक 15 जनवरी 2024 से प्रारंभ होकर अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि दिनांक 8 मार्च 2024 को सकुशल व निर्विघ्न संपन्न हुआ। कुल 54 दिन चले इस माघ मेला में गंगा यमुना तथा अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में पूर्ण अर्जुन का भाव संजोए देश के कोने कोने से आए करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था एवं पुण्य की डुबकी लगाई। माघ मेला 2024 में श्रद्धालुओं स्नार्थियों के सुगम आवागमन सुरक्षित स्नान तथा सुरक्षित प्रवास हेतु समस्त पुलिस प्रबंध सुनिश्चित किए गए। श्रद्धालुओं के सुरक्षित स्नान हेतु संगम सहित संपूर्ण मेला क्षेत्र में 22 स्नान घाटों सहित 2 नाव घाटों को विकसित किया गया। श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन हेतु स्नान घाटों के निकटतम ही 7 पार्किंग स्थलों की समुचित व्यवस्था की गई। मेले को सकुशल संपन्न कराने हेतु 1 पुलिस उप महानिरीक्षक, 1 नोडल पुलिस अधीक्षक, 4 अपर पुलिस अधीक्षक, 12 पुलिस उप अधीक्षक, 22 निरीक्षक व लगभग 5000 पुलिस कर्मियों सहित नागरिक पुलिस, महिला पुलिस, यातायात पुलिस, जल पुलिस, PAC, NDRF, LIU, ATS, रेडियो दूरसंचार, घुड़सवार पुलिस, फायर सर्विस, डॉग स्क्वाड, BDDS, AS चेक टीम, PRG तथा होमगार्डों के जवानों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं की तैनाती की गई। समस्त अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों के संयुक्त योगदान तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन के फलस्वरूप माघ मेला वर्ष 2023-24 सकुशल एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। प्रभारी माघ मेला डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र IPS द्वारा मेले में सराहनीय योगदान देने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में मेले को सकुशल एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने में समस्त पुलिस बल को कुशल नेतृत्व प्रदान करते हुए सराहनीय योगदान देने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक प्रभारी माघ मेला डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र IPS को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज रमेश शर्मा, IPS अपर पुलिस आयुक्त श्री एन कोलांची IPS के द्वारा संयुक्त रूप से प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। आपके द्वारा कैसे श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई थी? नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर अनिल कुमार 11 नंबर बटालियन NDRF की टीम से हूँ। और जैसा कि मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक हमारी 2 टीमें यहाँ तैनात रही DIG श्री मनोज कुमार शर्मा के दिशा निर्देश में, और किसी भी प्रकार की पूरे मेला के दौरान कोई डूबने की घटना या बोट कैप्साइज कुछ नहीं हुई। NDRF रात दिन तत्पर रही जो भी श्रद्धालु थे उनकी सेवा करने के लिए। मकर संक्रांति से लेकर के आज महाशिवरात्रि का पर्व रहा, इस मेला क्षेत्र में क्या कुछ अनुभवी आप लोगों को प्राप्त हुई? अनुभव यह रहा कि हम आगामी महाकुंभ के लिए तैयार हो गए। हमें प्रयागराज संगम त्रिवेणी में सभी घाटों के बारे में जानकारी हुआ। हमारे जितने भी बचाव कर्मी हैं उन्हें एक अनुभव मिला इस माघ मेला में आने से, ताकि आगामी आने वाले महाकुंभ में हम बेहतर तरीके से लोगों की सेवाएं दे पाएं, किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो और श्रद्धालु सकुशल यहां पर स्नान करके कल्पवास करके अपने घर वापस जा सके। हालांकि मेला लगातार शांतिपूर्ण तरीके से देखा गया कि संपन्न होता हुआ नजर आया, इसमें किस किस तरह की टीमें नियुक्त की गई थी जो पूरे माघ मेला क्षेत्र को देखती रही? एक्चुअली NDRF की 2 टीमें थी जिसमें प्रॉपर तरीके से गोताखोर थे, डीप डाइवर, महिला रिस्क्यूवर भी थी। किसी भी प्रकार की महिला की सुरक्षा का दायित्व हो तो हमारे पास महिला बचाव कर्मी थे, साथ में हमारे पास डीप डाइवर थे। अगर किसी गहराई में जाना हो, किसी प्रकार का ऑपरेशनल सिचुएशन क्रिएट हो तो उसके लिए हमारे पास गोताखोर थे, पर्याप्त मात्रा में बोट थे, लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, सभी संसाधनों के साथ हम यहाँ तैनात थे और आगामी आने वाले महाकुंभ में भी हम इस तरह से तैनात रहे। श्रद्धालुओं के लिए NDRF की टीम द्वारा कैसे सुरक्षा व्यवस्था की गई थी? एक्चुअली जो भी श्रद्धालु आए हैं स्नान करने या कल्पवास करने के लिए, हम हर समय सभी घाटों पर मुस्तैद रहे हैं। रात दिन जो भी हमें जिम्मेदारी दिया गया था उसको हम सकुशल संपन्न कराए हैं, और उन्हें समय समय पर हम दिशा निर्देश भी देते रहे जो भी श्रद्धालु आए कि आप लाइफ जैकेट लगाकर बोटों पर जाएं ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो, और उन्होंने हमारे बात को सम्मान भी किया, और यही कारण है कि अभी तक पूरा मेला में किसी भी प्रकार की कोई डूबने की घटना या बोट कैप्साइज नहीं हुई। आज मेले का समापन जिस तरह से हो रहा है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जनपद प्रयागराज वासियों को एवं मेला क्षेत्र में आए तमाम श्रद्धालुओं को? हाँ देखिए, जैसे आगामी महाकुंभ जो आने वाला है, अभी तक सबसे विशाल महाकुंभ के रूप में मनाया जाएगा, और NDRF उस महाकुंभ को लेकर अपनी पूरी तैयारी के साथ आगामी महाकुंभ में आने के लिए तैयार है। हमने हर तरीके का यहाँ पे सर्वे कर लिया है, तो सभी श्रद्धालुओं को यह मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आपकी सुरक्षा के लिए 11 नंबर बटालियन या पूरे इंडिया में जो भी NDRF हमारी टीम है और इंडिया लेवल में सभी टीमें यहाँ आएंगी और आपका सुरक्षा का